बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरजेडी कार्यालय के सामने जमकर बवाल किया। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हुई। अब इसको लेकर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक भर्ती नियमावली में कोई बदलाव नहीं हुआ, बीजेपी भ्रम फैलाकर शिक्षक अभ्यर्थियों को कंफ्यूज कर दी है। बिहार में पहले भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन देकर शिक्षक बनते थे। हम लोग बिहार में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूसरे राज्यों में भारी संख्या में बिहारी बच्चे नौकरी करते हैं। लागू करने के लिए जो चीजें हमने पूर्व में भी जोर दे करके कहा था, धैर्य रखनी होगी चीजों को लेकर करके, और भर्तियां होनी बाकी है, और भी संस्थान है, भर्ती संस्थान जो भर्ती करेंगे उसमें इन प्रावधानों को निहित करने की हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे। जो परीक्षा पहले से होते आ रहा है वही हो रहा है आज भी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई हमने परिवर्तन कर दिया है। जो मानक पहले था वो मानक आज है। ये बात सत्य है कि हम लोगों ने डोमिसाइल के सवाल पर चीज़ों को सामने रखा था और सोचा कहा था कि इस पर आगे काम करने चाहिए राज्य की सरकार को, तो हम लोग करेंगे भी आने वाले कल में। और संस्थान जहाँ भर्ती जो संस्थान है और जो तरह तरह की चीज़ों की भर्ती होगी उसमें हम करेंगे, लेकिन एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन के सवाल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम हर तरह की चीज़ों को ध्यान में देकर के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आँख बंद कर करके शिक्षक भर्तियों की मांग को खारिज कर दीजिए, उसको विचार ही नहीं करिए। जो चीज़ें विचार योग्य है उसको विचार करना ही पड़ेगा। बता दें, बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है, बाहरी लोग भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, जिसका विरोध बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जमकर कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा अधिकार और हक हमसे बिहार सरकार छीन रही है। Yeah, that's it.